कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन कांग्रेसियों की ओर से दिया गया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय पर मुट्ठी भर लोगों के साथ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उनसे बदले की भावना से पूछताछ कराई जा रही है। लगातार ईडी द्वारा उनका शोषण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, ज्ञापन में यह भी बताया है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पुलिस मनमानी कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, थानों में मुकदमे दर्ज कर रही है। लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों का शोषण किया जा रहा है। सब बातों को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित सौंपा गया है और क्या कुछ बताया है जरा आप भी सुनिए। आज जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी या जो यहाँ पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जो देने आए रहे हैं, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आज जो ईडी द्वारा जो उनको परेशान किया जा रहा है, आज वो युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो आज वो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष की लड़ाई लड़ने में वो हमेशा वो पास हुए हैं और इस काम इसमें भी वो कामयाब हो गए। इसी की तरह वो लगे हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन आज फैल रहा है और वो कर रहे हैं, लेकिन आज संघर्ष के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।